नमस्कार दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सुनील यादव। आप देख रहे हैं एनबीटीवी निष्पक्ष बात। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबर। जय श्री गणेश। आपके घर या गली मोहल्ले में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ अपनी या अपने परिवार के सदस्यों के साथ सेल्फी लेकर हमें भेजें। हम हर दिन एनबीटीवी के बुलेटिन में आपके द्वारा भेजी गई सेल्फी को साथ सम्मान प्रसारित करेंगे। आप अपनी सेल्फी इन व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। बुधवार की देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में डॉक्टरों से की गई अभद्रता के आरोप में पुलिस ने दोनों आरोपियों को डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चिकित्सा अधिकारी के साथ हुए दुर्व्यवहार के समर्थन में महिला बाल विकास विभाग सहित प्राइवेट चिकित्सा संघ ने सांकेतिक हड़ताल की, जिसके चलते सुबह 1 घंटे ओपीडी बंद रखी गई। प्राइवेट डॉक्टर चिकित्सक संघ के सदस्य डॉक्टर अजय रघुवंशी ने बताया कि बुधवार को हुई घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी चिकित्सक इस घटना का विरोध करते हैं एवं सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टरों को भी पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। उन्होंने कहा, डॉक्टर हमेशा चाहता है कि उसका मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, पर उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार की घटना निकट भविष्य में घटती है तो सभी चिकित्सक अपनी सेवाओं को बंद कर संपूर्ण जिले में विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आज हम प्राइवेट एसोसिएशन सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं, कल रात को यहाँ जो सरकारी अस्पताल में एक घटना हुई है वो उसके हम बहुत निंदनीय घटना है, उसके समर्थन में आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि डॉक्टर जो है वो सेवाएं अपनी पूरी चाहे अस्पताल की हो चाहे प्राइवेट हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबको लाभ दे और सभी ठीक करे। मगर इस तरीके से अगर वो व्यवहार करता है मरीज आकर किसी डॉक्टर से, तो यह बहुत निंदनीय है। और अगर इसकी पुनरावृत्ति दोबारा होती है तो हम सब प्राइवेट डॉक्टर लोग हैं पूरी तरह हड़ताल करके अपने सारे चिकित्सकों को चिकित्सालयों को बंद करेंगे और इनका हम पूरा समर्थन करेंगे। दूसरी बात, मैं आप पत्रकारों के और भाइयों पब्लिक के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि क्या कोई भी डॉक्टर ये चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक न हो? क्या सरकारी अस्पताल आने वाला मरीज कोई डॉक्टर ये चाहता है कि उसका मरीज़ ठीक ना हो? जहाँ तक उनसे बनता वो पूरा प्रयास करते हैं, इसके बाद वह उनसे नहीं बनता तो शासकीय चिकित्सालय करते हैं। दूसरा, इस सरकारी अस्पताल के लिए एक निवेदन करना चाहूँगा सरकारी अफसरों से, विधायक से, यहाँ के सांसद महोदय से, कि आप यहाँ पर डॉक्टरों का स्टाफ बढ़ाइए। यहाँ पर 3 डॉक्टर मिलकर 1.5 लाख पब्लिक का इलाज नहीं कर सकते। आज समय अगर एक साथ बहुत सारी कोई घटना होकर बहुत सारे मरीज इकट्ठे हो जाएं तो उनका इलाज कैसे किया जाएगा? कई बार ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो हमको सरकारी अस्पताल से बुलाया जाता है, हम प्राइवेट चिकित्सक, कई बार रेल दुर्घटना कुछ ऐसी छोटी मोटी हुई हैं तो हम प्राइवेट चिकित्सकों ने आकर यहाँ पर मदद करी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ स्टाफ बढ़ाए और इसकी स्टाफ बढ़ाकर सरकारी अस्पताल को बढ़ाएं। इसमें 8 पोस्टें हैं शायद मैडम, 8 पोस्टें हैं, 14 पोस्टें हैं डॉक्टरों की, ये आप जानकारी मैडम से लीजिएगा। सरकारी अस्पताल में वर्तमान 14 पोस्टें हैं और जिसमें से कुल 3 डॉक्टर हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा हुई तो हम पूरा शहर दवाखाना बंद कर देगा, जिससे आम जन को बहुत परेशानी होगी और उसका जिम्मेदार शासन होगा, हम लोग नहीं होंगे। आज जो परसों रात में घटना हुई थी उसमें कल हम लोगों ने जिस तरह से हड़ताल करी थी, हड़ताल करने के बाद में हमको SDM सर का, SDOP साहब का और समस्त लोगों का जो सपोर्ट मिला था, उसके बाद में उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमने उसके बाद में अपनी हड़ताल को समाप्त करके पुनः अपने कार्य पर लौट गए थे। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि मुझे प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन, महिला बाल विकास, सभी लोगों का एक समर्थन मिला है कि मैम अगर इस चीज़ में कोई कार्रवाई नहीं होती है या कार्रवाई को सिर्फ टालने की मंशा से अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद में भी हम लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे और आपका समर्थन करते रहेंगे। इसलिए इनके समर्थन पत्र में हम लोगों ने 1 घंटे के लिए यहाँ पर एक तरह का धरना प्रदर्शन किया गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चीज़ के लिए होशंगाबाद से जिला होशंगाबाद वालों ने भी और समस्त जिले से के जो हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी हैं उन लोगों ने भी इस चीज़ का हमें समर्थन दिया है। जिला चिकित्सालय में भी 1 घंटे के लिए उन लोगों ने स्ट्राइक की थी। आपने आरोप लगाया था कि पुलिस वाले आए जरूर थे लेकिन मूक दर्शक बने रह गए थे, उनके ऊपर भी क्या आप कुछ कार्रवाई जी न, अब ये कंडीशन हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उस समय जो वो 3 पुलिस वाले आए थे
उस समय हम लोग मरीज के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। हम सिर्फ ये चाहते थे कि जो अगर वो लोग आ गए थे तो जो व्यक्ति उस समय यहाँ मौजूद था उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, क्योंकि ये पुलिस विभाग हो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो चाहे महिला बाल विकास हो, सभी एक साथ में कार्य करते हैं। तो इस चीज़ के समर्थन की मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि कभी ऐसी स्थिति हो तो पुलिस वाले हम लोगों का सपोर्ट करें और ऐसे लोगों को रोकें जिससे कि हम लोग को कार्य करने में परेशानी होती हो। उस मामले में क्या विवेचना के दौरान दोनों आरोपी शुभम तोमर पिता शेर सिंह तोमर और सत्यम तोमर पिता शेर सिंह तोमर ये खुड़वासा के रहने वाले थे। आज हमारे PI साहब ने और टीम ने मिलकर इनको खुड़वासा से गिरफ्तार करा है। इनकी 15 बजे विधिवत गिरफ्तारी हो गई है। इनके खिलाफ जो धारा है 294 IPC और 3-4 चिकित्सा सेवा से संबंध व्यक्तियों की सुरक्षा के अधिनियम 2008 के तहत गिरफ्तारी के लिए जिले का न्यायालय पेश किया। नमस्कार भाइयों बहनों, ऑफर की दुनिया में महाऑफर। शासकीय उत्कृष्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा में संभागीय शालेय शतरंज प्रतियोगिता 14-17-19 वर्षीय बालक बालिका संपन्न हुई, जिसमें संभाग के तीनों जिले बैतूल, होशंगाबाद और हरदा के 90 शतरंज खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतियोगिता में क्रीड़ा अधिकारी NR सूरमा, संतोष कुमार सूरमा, मनीष राजपूत बैतूल से, महेश खत्री, कामना सावले, रश्मि बाथाव हरदा से, अजीत सिंह राठौर सहित अन्य कोच एवं मैनेजर उपस्थित हुए। शतरंज प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों के प्रभारी प्राचार्य सुरेंद्र कुमार पाटिल ने शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी प्रतिभागियों को कुशल प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। दुर्गा कॉलोनी बानापुरा में 30x50 का प्लाट बेचना है, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9907289050। सिंगरौली के सरई थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ग्राम पोखरी में हुई मनमोहन सिंह की हत्या के फरार आरोपी रणभान सिंह को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों पोखरी टोला निवासी मनमोहन सिंह की हत्या कर आरोपी रणभान सिंह फरार हो गया था, जिसे सरई पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। हमारे संवाददाता उपेंद्र दुबे ने बताया कि शहर में बढ़ रहे अपराधों की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने सख्त निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक के इसी निर्देश पर क्षेत्राधिकारी ने शहर में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया और मनमोहन की हत्या करने वाले फरार बदमाश को जंगल में धर दबोचा। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक प्रमोद, रोहित, राम नरेश शुक्ला, SK दुबे, आरक्षक केशव सहित अन्य पुलिसकर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। सिवनी मालवा के ग्राम बुंडारा कला में 8 एकड़ जमीन बेचना है, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9907289050। सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत ओड़गड़ी का विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यहाँ ढूंढने से भी कहीं विकास नजर नहीं आता है। गरीब झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, वही बच्चे, बूढ़े और महिलाएं कीचड़ से होते हुए आना जाना कर रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे गाँव के ग्रामीण बिजली, पानी, शौचालय, रोड सहित अन्य कई समस्याओं से परेशान है, जिसकी लिखित शिकायत विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल व प्रभारी मंत्री प्रदीप जायसवाल से भी की है। लेकिन शिकायत के बावजूद भी विकास कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब जनता भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। ग्रामवासी भी त्रस्त हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ कागजों में ही विकास सिमट कर रह गया है। पंचायत में रोड की समस्या तो है ही है, ये तो आप एक रोड देख रहे हैं, लेकिन ऐसी कई सारी रोडें हैं जो कि बहुत ही दयनीय हालत में। और इसके अलावा जो सरपंच द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसको ग्रामवासियों को कोई भी जानकारी नहीं है कि किस तरह से कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर निवासी लोगों को मृतक दिखा करके उनका BPL सूची से नाम विलुप्त कराया गया है। कई सारे लोग अभी भी जीवित हैं, लेकिन उनको मृतक पेश किया गया है। और जबकि हमारा ओड़गड़ी ग्राम पंचायत कंपनी से प्रभावित एरिया है, और यहाँ लगभग 20% की आबादी विस्थापित लोग भी रहते हैं। जो यहाँ CSR का फंड मिलना चाहिए, CSR का मदद मिलना चाहिए, उसका भी कार्य यहाँ पर अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं कराया जा रहा है। जबकि अदर ग्राम पंचायत में, यहीं पर पड़ोस का ग्राम पंचायत है बाघाडी, यहाँ पर सारी सुविधाएं CSR के द्वारा ले ली जाती हैं, लेकिन हमारे ओड़गड़ी ग्राम पंचायत के निवासियों को नहीं मिलती हैं। और इसी तरह आवास योजना में भी सिर्फ चुनिंदा लोगों को आवास मिल रहा है, शौचालय का भी लाभ चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। जितनी भी सरकार की मूलभूत योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, वास्तव में हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं।
शासकीय स्कूलों में ननिहालों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं इन योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये योजनाएं तब बेमकसद साबित हो जाती हैं जब बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी स्कूलों में नहीं मिल पाती हैं। ऐसा ही एक शासकीय स्कूल ओड़गड़ी है जो कच्चे निजी घर में संचालित हो रहा है। एक ही कमरे में सभी कक्षाएं लगती हैं। यहाँ बच्चों के लिए ना तो कहीं पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की। मध्याह्न भोजन भी खुले में बन रहा है, वहीं शिकायत करने के बाद भी सुधार नहीं किया जा रहा है, जो समझ से परे हैं। तो आए थे कलेक्टर साहब और डीपीसी साहब आए थे, और जन शिक्षक महोदय, प्रचार महोदय सब मिल करके विद्यालय निजी घर में लगवाए कि कुछ दिन में बन जाएगा, विद्यालय मिल जाएगा। लेकिन आज करीब 2016 से हम इस विद्यालय में रह रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रकार की सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं सर कि यहाँ पर बच्चों को टॉयलेट कोई भी प्रकार की नहीं है। खुले में बाहर जाते हैं, ये भी प्राइवेट यहाँ पर खुले में बच्चे पढ़ाते हैं। और यहाँ कमरा नहीं है, 10x12 का एक कमरा है, उसमें समूह द्वारा पढ़ाया जाता है। दो समूह की यहाँ पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। यहाँ पर पढ़ाई के लिए बहुत ही दिक्कत है, बहुत परेशानी है सर। जैसा चाहिए वैसा हम तो मेहनत करेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा साधन नहीं है सर। और ऑफिस जो है, शिफ्ट जो किया गया है, तो हमारी ऑफिस 3 जगह भी पर है। कुछ मोमरी राण विद्यालय में है, कुछ एक आदिवासी घर में है, और कुछ सामान यहाँ पर लाए हैं जो कि हमेशा यहाँ खुला रहता है। बच्चों का शिक्षा का स्तर सही नहीं हो पा रहा है, सिर्फ बिल्डिंग की वजह से। बिल्डिंग की वजह से सर, कोई साधन नहीं है तो उसके लिए नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इससे इसकी जानकारी जो है और कहीं प्रसारण? हाँ सर, यहाँ के पालक शिक्षक संघ थे तो बार बार गए, जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को दिए, बहुत से ओसी भी लाए, और जन सुनवाई के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो पाया। तो पालक शिक्षक संघ भी यहाँ मीटिंग में आने के लिए आनाकानी करते हैं कि जब हमारा जब एसएलसी का सुनवाई नहीं होता है कहीं, तो हमको यहाँ पर मीटिंग आने से क्या मतलब। हम लोग बार बार समझाते हैं, फिर भी ऐसे बच्चे चला रहे हैं। वर्तमान में इसमें 45 बच्चे दर्ज हैं, 105 में सर। होशंगाबाद जिले के शिवपुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम रावण पीपल में एक युवक मुकेश रघुवंशी को पुरानी रंजिश के चलते चाकू मार दिया गया, जिसे आनन फानन में परिजन सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति होने के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं शिवपुर पुलिस से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई कायमी नहीं की गई है, शायद 100 डायल पर सूचना दी होगी। पिपरिया में आज राधाअष्टमी के मौके पर गुजर समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच लगातार हो रही बारिश के बावजूद शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों की संख्या में सामाजिक बंधुओं का उत्साह देखने लायक था। यात्रा गुजर भवन से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान नगर के सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा भी शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में उपस्थित सामाजिक युवाओं ने शहर के मुख्य मंगलवारा चौराहे पर राधा रानी के जयकारे लगाकर आयोजन को सफल बनाया।
एस